कितना अच्छा होगा अगर हमारा जन्म पृथ्वी पर हो और मौत मार्स पर। आपने एक बार कहा था रिटायर होकर मार्स पर जाएंगे, क्या ये मुमकिन है? मुझसे पूछा गया था कि क्या मैं ऐसा करना चाहता हूँ। बात ये नहीं है कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं रिटायर हो गया और मेरा दिमाग काम करता रहा तो मैं मार्स पर जाना चाहूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगस्त 2013 में मस्क ने हाइपरलूप रिलीज की। यह ट्रांसपोर्ट का एक ऐसा साधन था जो दो बड़े शहरों के बीच के सफर को बहुत कम समय का बना देता और उसमें ट्रैफिक भी कम मिलता। वो भी रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाला था और यह हाई स्पीड ट्रांजिट सिस्टम्स पॉड्स में सवार लोगों को ट्यूब्स के जरिए करीब 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ले जाता। में SpaceX ने Starlink की डेवलपमेंट शुरू की ताकि सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस मिल सके। 24 मई 2019 को पहले 60 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया। उस प्रोजेक्ट पर करीब $1,000 करोड़ खर्च हुए। मस्क मानते हैं कि हमें आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा लेना पड़ेगा, इसीलिए 2015 में उन्होंने किसी के साथ मिलकर OpenAI की शुरुआत की, जो एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च कंपनी है और उसका काम है फ्रेंडली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करना। उन्होंने इसी तरह से 2016 में Neuralink की भी शुरुआत एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी की जिसका मकसद था ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस डेवलप करना। इन एडवांसमेंट्स की बदौलत हमारी मेमोरी बेहतर हो सकती है या हम सॉफ्टवेयर के साथ मर्ज हो सकते हैं। दिसंबर 2016 में शहर के ट्रैफिक को खत्म करने के लिए मस्क ने बोरिंग कंपनी की शुरुआत की, एक टनल और ट्रांसपोर्ट स्टार्टअप। मस्क को मौजूदा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की कमियां नजर आ रही थी और लॉस एंजलिस ट्रैफिक को देखते हुए उन्होंने एक फ्यूचरिस्टिक अंडरग्राउंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने का फैसला किया। उनका पहला सेल्फ ड्राइविंग टनल लास वेगास में जमीन के नीचे बनकर करीब करीब तैयार है। वो उन टनल्स का इस्तेमाल हाइपरलूप व्हीकल्स के लिए करना चाहते हैं। उसी साल उन्होंने ऐलान किया कि आने वाला समय सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक कार्स का है। मेरा अंदाजा है कि करीब 10 साल में ऐसी कार्स शायद बने ही नहीं जो फुल्ली ऑटोनोमस ना हो। तब बात सिर्फ ऐसी कार की नहीं होगी जो सेल्फ ड्राइविंग हो, बल्कि वो एक घोड़ा रखने जैसा होगा। हम एक घोड़े को अपने सेंटिमेंटल रीजन से तो रख सकते हैं, मगर रोज उसकी सवारी नहीं कर सकते। यह भी ऐलान किया कि इंसान को मार्स तक पहुंचाना उनका असली उद्देश्य है, एक ऐसा गोल जिसे वो 2024 तक पूरा कर लेंगे। हमें उम्मीद है कि स्पेस ट्रैवल काफी अफोर्डेबल होगा, हर आदमी का करीब $1,00,000, और हो सकता है कि इंसान शायद हमेशा के लिए उस रेड प्लैनेट पर ही चला जाए। 2018 में उन्होंने उस पहले प्राइवेट एस्ट्रोनॉट का ऐलान किया जो चांद पर जाने वाले हैं। मैं BFR के पहले पेइंग कस्टमर का ऐलान करने जा रहा हूं, योसाकु मिज़ेवा, प्लीज यहां आइए। हाँ बताइए कैसा लग रहा है। थैंक यू इलॉन। थैंक यू एवरीवन। वाह दोस्तों, 2023 में मैं अपने साथ पूरी दुनिया में से 6 से 8 आर्टिस्ट को भी अपने इस मिशन पर अपने साथ चांद पर लेकर जाऊंगा। हम आने वाले दिनों में स्पेस फेयरिंग सिविलाइजेशन बन जाएंगे और उन तारों के बीच हम शायद उस जगह से ज्यादा खुश रहेंगे जहां आज हैं। मैं तो यही मानता हूं कि अगर हम वैसा फ्यूचर नहीं चाहते तो हम इंसान ही नहीं है। हमने स्पेस रेस शुरू होने के बाद काफी लंबा सफर तय किया है। 1969 में पहले इंसान ने चांद पर कदम रखा था और उसने एक नया इतिहास रच दिया। और आज स्पेसएक्स
हमें अगले बड़े कदम के काफी करीब ले आई है। मई 2018 में मस्क मेट गाला में गए तो उनके साथ थी उनकी नई गर्लफ्रेंड कनेडियन सिंगर क्लेयर बूशेर, जो प्रोफेशनली ग्राइम्स के नाम से मशहूर हैं। वो कुछ हफ्ते पहले ही ऑनलाइन मिले थे और मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ग्राइम के ट्विटर अकाउंट पर एक जोक देखा था। उन्होंने उनसे बात की और फिर दोनों चुपचाप डेट करने लगे। मस्क ने कहा द वॉल स्ट्रीट जर्नल भी उन्हें उनके वाइल्ड आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी और इंटेंस वर्क एथिक की वजह से पसंद करता है। दो साल बाद मई 2020 में इलॉन ने इन दोनों के पहले बच्चे के जन्म का ऐलान किया और ट्विटर पर अपने उस बेटे के बारे में लिखा जिसका नाम बड़ा अनूठा था। इस जोड़े ने शुरुआत में लिखा था कि उनके पास इस बच्चे का नाम एक्स एश A12 मस्क है। बच्चे का सरनेम सिर्फ मस्क है या लिटिल एक्स? ये तो सिर्फ एक्स है, लेटर एक्स, और फिर ए ई है जिसे एश प्रोनाउंस करते हैं। और फिर A12 है, A12 मेरा कंट्रीब्यूशन। ओह, A12 क्यों? आर्क एंजल 12, आज तक के सबसे शानदार SR-71 प्लेन का प्रीकर्सर। मैं ये देखकर खुश हूँ कि रोगन हंस रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा था कि आपने एश नाम कैसे रखा, पर इस बच्चे को देखिए कितना क्यूट है। ग्राइम्स और मस्क के बच्चे का नाम ही इतना कंट्रोवर्शियल नहीं था, वो ट्विटर पर भी काफी कंट्रोवर्शियल हो गया था। मई 2020 में उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट से टेस्ला की वैल्यू करीब $1400 करोड़ कम कर दी थी। उन्होंने लिखा था टेस्ला का स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा है। उन्होंने अपने स्टेक में से $300 करोड़ निकाल लिए और फिर इन्वेस्टर्स भी उस ट्वीट के बाद किनारा करने लगे। 1 मई 2020 को मस्क ने फैसला किया कि वो अपने सातों घरों को बेच देंगे। उन्होंने ट्वीट किया, मैं अपने सारे फिजिकल पोजेशंस बेच रहा हूं, अब मेरा कोई घर नहीं होगा। उन्हें जो रोगन के साथ एक इंटरव्यू के दौरान नशा करते हुए भी देखा गया। ये लीगल तो है ना? हाँ, टोटली लीगल है। ये कैसा लगता है जब आप कुछ अलग करते हैं और लोग अपसेट होते हैं? ये तुम देख रहे हो ना, ये तंबाकू और गांजा है, वो कश ले रहे हैं। मुझे अंदाजा नहीं है। ओके, कश ले रहे हो या नहीं, पर वो जिस स्टेट में है वहाँ पर ये लीगल है। उन्होंने 3 बार शादी की, एक ही औरत से 2 बार और 6 बच्चों के बाप भी बने और अपने ट्वीट से अपने शेयर होल्डर्स का करोड़ों का नुकसान करवाया। ये सब देखते हुए यही लगता है कि उनकी पर्सनल लाइफ भी उनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी ही उथल पुथल भरी थी। अपने सफर में उन्होंने हमेशा सिर्फ खुशियां और कामयाबी ही नहीं देखी, लेकिन इलॉन मस्क फाइनली उस बुलंदी पर पहुंच ही गए जिसकी उन्होंने तमन्ना की थी। अपनी ओवरसाइज्ड पर्सनालिटी की वजह से वो कई बार मुश्किलों में भी फंसे, मगर उनका अपना एक विजन था और वो एक खास मकसद से आगे बढ़ते रहे। 2018 में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इवेंट में उन्होंने कहा था उनका मकसद है इंसान का फ्यूचर बनाना। मुझे जिस बात से सबसे ज्यादा हौसला मिलता है वो ये है कि मैं सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ, और हम सभी चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो, और हम सब यही कोशिश करते हैं कि एक ऐसा फ्यूचर हो जहाँ हर किसी को फायदा हो और जो भी होने वाला है उससे इंस्पायर होकर अगले दिन के बारे में सोचते हैं। हाल ही में वो डिजिटल करेंसीज के भी सपोर्टर बन गए और टेस्ला ने बिटकॉइन में $150 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए। बेहद तेजी से अमेरिकन कैपिटलिज्म के शिखर पर पहुंचने के बाद जनवरी 2021 में वो जेफ बेसोस से आगे निकल गए और दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए और उनका नेटवर्थ पहुंच गया था $20,900 करोड़ तक। 2002 में उन्होंने मस्क फाउंडेशन की शुरुआत की जो रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, साइंस, पीडियाट्रिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च को सपोर्ट करती थी। उन्होंने करीब $25,70,00,000 इस ऑर्गेनाइजेशन को दिए। मस्क आम तरह की फिलांथ्रोफी नहीं करते जैसे बिल गेट्स करते हैं, और उनके ज्यादातर पैसे सीधे उनकी कंपनीज में ही जाते हैं। वो एक बेहतर पृथ्वी के लिए काम कर रहे हैं और ये काम यकीनन ह्यूमैनिटेरियन है। 2012 में मस्क भी बिल गेट्स और मार्क ज़करबर्ग की तरह बिलियनेयर्स की लिस्ट में शामिल हो गए और गिविंग प्लेज पर साइन करके ऐलान कर दिया कि उनके ज्यादातर पैसे उनकी जिंदगी में या उनकी वसीयत के मुताबिक दान में दिए जाएंगे। क्या इस बात की कोई सीमा है कि आपकी कल्पना हकीकत को कहां तक ले जाएगी?
इलॉन मस्क इसके बारे में शायद नहीं सोचते। उनके फ्यूचर के बारे में जो विजन्स हैं, वो किसी भी इमेजिनेशन से परे और काफी इंस्पायरिंग हैं। वो एक साउथ अफ्रीकन इमिग्रेंट थे, एक ऐसे बच्चे जिन्हें सब परेशान करते थे, मगर वो एक सेल्फ मेड सीईओ बिलियनेयर बन गए और एक नहीं बल्कि 5 इंडस्ट्रीज खड़ी की। उन्होंने हमें दिखा दिया कि कुछ ऐसा करो जिसे हम पहले नामुमकिन सा मानते थे। अगर हम उनकी कामयाबियों को देखें, तो इस बात में कोई शक नहीं कि इलॉन मस्क सही मायनों में सिलिकॉन वैली की एक सक्सेस स्टोरी है। उन्हें टाइम मैगजीन ने दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों में से एक माना था। उनके अंदर कभी भी कॉन्फिडेंस और ऑप्टिमिज्म की कमी नहीं रही। उन्होंने अपने क्रिटिक्स को करारा जवाब दिया। वो मुश्किल से मुश्किल दिनों में भी लड़ते रहे और कभी हार नहीं मानी। PayPal, SpaceX, Tesla, SolarCity, इन सभी ने दुनिया पर गहरा असर डाला है। हम उनसे सीख सकते हैं कि हीरोज को भी मुश्किल दौर का सामना करना पड़ता है और तभी वो उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। शुरुआत होती है एक इंडिविजुअल से, उनके सपने और उनके एम्बिशन से, जो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहते हैं। शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है और ऐसा लगता है कि इलॉन मस्क के लिए आसमान भी सीमा नहीं है। उनके लिए कोई सीमा ही नहीं है। देखिए, स्पेस एक ऐसी चीज है जिससे ज्यादातर लोग इंस्पायर्ड हैं, और अगर आप लोगों से पूछें कि इतिहास की सबसे इंस्पायरिंग बात क्या थी, तो बहुत से लोग यही कहेंगे जब इंसान ने चांद पर लैंड किया। Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? Genius billionaire playboy philanthropist.